इसकी खबर लेकर हम आपको आए हैं, बताने वाले हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर 85 लाख सरकारी कर्मचारी करेंगे आंदोलन। तो देखते हैं क्या मांगे हैं और किस प्रकार की मांगे, किन लंबित मांगों को लेकर यहाँ पर कर्मचारी 85 लाख कर्मचारी आंदोलन करने की राह पर हैं और क्या मांगे रखी गई है, तो पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और सभी जानकारी आप तक मिल सके। तो क्या है जानकारी, हम आपको बताने वाले हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 पुरानी पेंशन योजना को लेकर 85 लाख सरकारी कर्मचारी करेंगे आंदोलन। देखिए क्या है इनकी प्रमुख मांगें 85 लाख कर्मचारी आंदोलन पर, तो क्या है इनकी प्रमुख मांगें आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लोकसभा चुनाव के दौरान कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन लाडली बहना को लेकर एक बार फिर से एक्टिव मोड पर आ गया है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि देश में 85 लाख केंद्रीय व राज्य सरकारी में कर्मियों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू नहीं कर देती है। तो बताते हैं आपको, सरकारी कर्मचारी सक्रिय रूप से करेंगे आंदोलन, जिसमें सरकारी कर्मचारी रहेंगे विभागों के, वो आंदोलन निश्चित रूप से करेंगे। और सरकारी संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि सरकार को कर्मियों की बात मानते हुए NPS को ख़त्म करना ही होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दों को शामिल करने के लिए कहा गया था, तो पार्टी ने NMOPS को आश्वासन दिया था कि OPS की घोषणा पत्र में जगह मिलेगी, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया है। अब इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर उनका कांग्रेस का जो था उनने भी जो उनकी पेंशन के लिए बहाली के लिए दिया गया था, लेकिन अभी तक उनका भी नहीं किया गया। लेकिन बताने वाले हैं आपको, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, जो लंबे समय से गारंटीकृत पेंशन सिस्टम के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पेंशन का नाम कुछ भी रखो, कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम ही चाहिए। NPS को OPS में फिर बदला जा सकता है। केंद्र सरकार NPS को स्कीम करे तो ठीक है, नहीं तो पुरानी पेंशन स्कीम में बदल दे। आपको बता देते हैं कि दिसंबर 2003 में बंद किया गया ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम को दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा दिसंबर 2003 को ख़त्म कर दिया गया था। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपनी सैलरी का 50% मिलता था, लेकिन वह पुरानी पेंशन योजना को बंद कर 1 अप्रैल 2004 को राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदल दिया गया। न्यू पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले राष्ट्रीय एवं श्वेता निकायों को के सभी कर्मचारियों पर लागू है। और हमें बता देते हैं कि OPS को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी राज्यों को किया आगाह। पुरानी पेंशन योजना को लेकर RBI ने राज्यों को आगाह करते हुए कहा है कि अगर सरकार इसे लागू करती है तो राज्य सरकार को इसका बड़ा नुकसान उठाना होगा। अगर सभी राज्यों में इसे अपनाया गया तो संचित राज्यीय वित्तीय कोष में 4.5 गुना बोझ बढ़ जाएगा। ऐसा करने से राज्यों के वित्तीय कोष में काफ़ी दबाव पड़ेगा, जिससे विकास से जुड़े खर्चे सीमित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 2060 तक वित्तीय कोष को बोझ सालाना सकल घरेलू उत्पाद में 0.9% तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना हितकारी नहीं होगा। वहीं बता देते हैं कि देखें, पुरानी पेंशन बहाली कब तक होगी यह कहा नहीं जा सकता है। देश में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद वेतन का 50% दिया जाता था, वेतन में कोई भी कटौती नहीं होती थी। पुरानी स्कीम के GPF भी दिया जाता था। इस स्कीम में रिटायरमेंट कर्मचारियों को सरकारी कोष में पेंशन दी जाती थी, जबकि नई पेंशन योजना के तहत 10% की कटौती की जाती है। इसमें 14% सरकार द्वारा मिलता है, जिसमें GPF की सुविधा भी नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार की ये जानकारी आपको बता देते हैं कि आगे क्या जानकारी। नई पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि NPS एक डस्टबिन है, जिससे सरकार तथा कर्मचारियों को सौंपा कचरे में जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा है कि चुनाव के बाद केंद्र में जिस भी दल की सरकार बने, OPS मांग के लिए आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि खबरों के मुताबिक कुछ राज्यों में OPS फिर से लागू करने की अधिसूचना जारी किया गया है। तो इस प्रकार से जानकारी थी साथियों। आपको पसंद आई वीडियो, नहीं आती तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।
वीडियो किस प्रकार से और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, तो आपको सभी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी, वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि आने वाले सभी लोगों तक जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।